वरना आप गाने नहीं गाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहली बात बॉलीवुड में बहुत लिमिटेड लोगों को ही गाने देता हूँ, और क्योंकि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट नहीं हूँ, और क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, खुद म्यूज़िक करता हूँ ज़्यादातर। मैं बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स और राइटर्स के लिए भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड, मेरी गानों को लेकर बहुत लिमिटेड चॉइस है। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बहुत लिमिटेड, बहुत अच्छा काम करना। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि हमें आपको वीडियो में लेना है, मैं तो किसी को भी नहीं कहता। भाई ब्लू वॉइस वायरल होते जा रहे हैं, हर जगह पे वायरल हो गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया न्यूयॉर्क में? भाई मुझे टाइम नहीं लगा, जो न्यूयॉर्क में आपने सवाल पहले भी पूछा था, अब बड़े नाराज लग रहे हो। मैं एक मिनट सवाल, न्यूयॉर्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इन जर्नल न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ पे जिस दिन ब्लू आइज लॉन्च हुआ तो इन जर्नल वहाँ पे सारा मीडिया आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त मिला। मुझे लगता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आप लोग सब मेरी फैमिली हो, आप लोगों को आप अपने आप ही प्रमोट कर देते हो मुझे सब कुछ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं यार, ये देखिए अब इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए तो आप लोगों के कैमरे हिल जाएंगे, तो फिर मेरे को कोई मसला नहीं है, मैं तो जहाँ मर्जी खड़ा करूँगा भाई, वो भागा थोड़ी में निकल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद जान बुझ के नहीं करूँगा, यही होता है। यहाँ पे तो शुक्र करो ये लॉन्च थी, तो यहाँ पे आराम से आज बातचीत हो पा रही है। कॉन्सर्ट में तो आपको पता ही, आप कितनी बार आए हैं कॉन्सर्ट में, तो मेरे को खुद नहीं पता था, मैं कुछ पहन के आता हूँ और फॉक्स कहाँ क्या छूट जाता, कभी घड़ी छूट जाती, कभी कुछ छूट जाता। मैं भी सीधा फ्लाइट से आया भाई, जितना टाइम लगा आप पूछ रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी फर्स्ट टाइम ही हुआ आई थिंक किसी कॉलेज में आया, मैंने परफॉर्मेंसेस बहुत सारे कॉलेज में करी हैं, तो जहाँ परफॉर्म करता हूँ वहाँ लोग ऑनर कर देते हैं, लेकिन स्पेशली एक जो किताब थी सेलिब्रिटीज के ऊपर, और एज अ यूथ आइकन जो ये सब समझते हैं और इतनी अच्छी बातें समझते हैं, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था। जैसा कि आपने कहा कि मोबाइल में सबके इंग्लिश गाने हटा करके देसी गाने आप बजवाएंगे, वैसे एक चीज़ आपको और भी बोलनी चाहिए शायद, कि जिस तरह से कहते हैं टीचर्स के इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप रैपर भी बनो हनी सिंह की तरह? नहीं ऐसा नहीं है, किसी की तरह कुछ भी बनो, जिसका जो मन है वो बने पहली बात, और इंजीनियर डॉक्टर तो यार कई सालों से बनी रहे हैं, और आजकल देखिए आपकी कितने प्रोफेशनल सेक्टर्स खुल गए हैं बच्चों के लिए, कितना कुछ बच्चे बन रहे हैं आजकल, तो जिसको जो बनना है वो बने यार। अच्छा, किसी को एक सवाल है आपसे कि आपको अभी मराठी एल्बम आने वाला है आपका, तो वो मराठी एल्बम जो कुछ भी आएगा आपका, आशा था या लता जी को आप सुनाना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने आपके ऊपर कमेंट किया। नहीं देखो, उनको उनको वक्त मिलेगा तो उनको भी सुनाने चले जाऊँगा मैं, और मेरा बेसिक मकसद है यार, आप लोग ये बच्चे सारे जिनके लिए मैं गाने गाता हूँ, 100 करोड़ जनता हिंदुस्तान की, पहले मैं इनको तो खुश कर लूँ, तो वो जो जितने भी लेजेंड्स हैं वो तो ऑलरेडी बिजी हैं, ऑलरेडी मसरूफ़ है चीज़ों में, तो उन तक पहुँचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है अभी, तो मेरा मेन मकसद बड़ा सॉर्टेड रहता है, मैं अपनी ऑडियंस के लिए गाने लगता हूँ, उन्हीं के लिए बना। पाजी आप सुबह 6:30 बजे उठकर लेजेंड अमिताभ बच्चन जी के लिए रैप लिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? उठकर नहीं भाई, मैं सोता ही सुबह 7 बजे हूँ। मैं सारी रात काम करता हूँ, मेरे को कम तकरीबन 5 साल हो गए हैं रात को सोए हुए, मैं रात को सो नहीं सकता हूँ और दिन में सोता हूँ आराम से, सुबह 6 बजे तक काम करता हूँ। अमिताभ जी के लिए आप रैप लिख रहे हैं? जी अमिताभ जी के लिए मैं रैप लिख रहा हूँ, और डेफिनेटली हम जल्दी शूट करने वाले हैं गाना, तो मैंने इनफैक्ट गाना लिख लिया कल सुबह, लिखा मैंने, मैं दिल्ली में था कल, तो कल सुबह मैंने गाना लिखा, और सुबह की 7 बजे मैं पैकअप किया स्टूडियो से 7:30 बजे, और सुबह 11 बजे की फ्लाइट पकड़ के आपके सामने हाजिर। दो लाइन हो जाएगा सुना नहीं पाऊंगा ना, वो तो कंपनी का गाना है, गरीब आदमी कलाकार। सलमान खान के लिए कब लिख रहे हैं आप? मैं भाई के लिए भी लिख रहा हूँ, अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो भी दे दूंगा, मैं बड़ा यार बड़ा स्लो आदमी हूँ, बड़ा लेजी आदमी हूँ। कर दिया मैनो आसवां छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनो, मुझे ऐसा लग रहा है सॉफ्टी खिला रहे मुझे इतनी सारी। लालच देखिए आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।